यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500 एंड ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, कि ₹450 जो है उसकी रिपेयर पर खर्च किए गए हैं। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द SP ऑफ द आर्टिकल। आपको क्या गिवन है कि एक आर्टिकल है जिसको उसने कितने रुपए में खरीदा है, 15,500 में। तो आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल दैट इज इक्वल टू ₹15,500। उसके बाद उसने क्या बोला है कि उसको प्रॉफिट उस पर जो है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पे किया गया है उसकी रिपेयर पर, तो वो आपका कितना दे रखा है स्टेटमेंट में यहाँ पर, 450। तो आप पहले क्या निकालेंगे, इसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो आप निकालेंगे। देखिए कैसे करना है, मैंने दो चीज़ें लिखी है कि इतने में उसने आर्टिकल को ख़रीदा है और इतने इसकी रिपेयर पर लगे हैं, तो टोटल उसके पास जो पैसे खर्च हुए हैं उसके टोटल, उसको CP रहा इसके लिए, वो आपके पास कितना आएगा, 15,500 प्लस 450 दैट इज़ इक्वल्स टू, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 15,950। यू कैन चेक इट, आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 15,950। अब देखिए उससे बोला है इस आर्टिकल को बेच दिया उसने, और वो कितने प्रॉफिट पर बेचा है आपको मेंशन है स्टेटमेंट में, 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। आपको जो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15%। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द SP। इसमें आपको SP ही निकालना है कि उस आर्टिकल का जो SP है वो कितना है, कितने रुपए में उसने उसको बेचा है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है SP निकालने का वो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय में 100 इनटू में CP। यहाँ से इसको सॉल्व करिए आप, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 15 बाय में 100 इंटू में CP। CP कितना है आपके पास, 10। आप जो CP है वो इसके लेंगे। अब इसको सोल्व करिए आप, तो यहाँ से आएगा 115 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 15,950। कैंसिल आउट करिए, 5 2 से 10, 5 2 से 10, 5 3 से 15, यू विल गेट 23 × 1595 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको क्या करना है, 23 को 15,1595 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं बता देती हूँ, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 36685। उसका जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 18,342.50। आपका ये जो आंसर है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन देखिए दोबारा बता रही हूँ, एक बार और ध्यान से सुनिए। आपको क्या बोला गया था कि एक आर्टिकल है जो उसने ₹15,500 में परचेस किया है, उसके बाद उसने उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो रिपेयर है वो उसकी करवाई है, जो उसको कितने रुपये में पड़ा है, 450 में पड़ा है। तो टोटल आपका जो कॉस्ट प्राइस है इसमें वो कितना हो जाएगा, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपके पास जो आएगा यहाँ से वैल्यू वो है आपके 15,950। उसके बाद उसने बोला है कि ये जो आर्टिकल है वो उसने 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया है, तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ SP कि कितने रुपये में उसने उस आर्टिकल को बेचा है। तो SP निकालने के लिए डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू में CP। अब देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, P की वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ पर 15, तो आपके पास आएगा 100 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट वाइज आपका एज इट इज़। फिर 100 और 15 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 115 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15,950। नाउ यू विल सॉल्व इट, देन यू विल गेट द आंसर। और एक चीज़ और, आप जो प्रेफर करते हैं तो आप क्वेश्चन के बीच में मत स्टार्ट हो जाइएगा, यहाँ पर या फिर यहाँ या यहाँ, आपको साइड में लाइन लगा के रेफर करना है आपको, जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो लिसन इट केयरफुली। आपके क्वेश्चन नंबर 5th के स्टेटमेंट बोली गई है कि दो आर्टिकल खरीदे गए हैं जो दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको सेम गिवन है, यहाँ पर कितनी है वो देखिए आप,
एक तो उसने बोला है कि उसने वीसीआर खरीदा है और एक खरीदा उसने टीवी। वीसीआर कितने रुपए में खरीदा उसने? 8,000 में। और उसको बेच दिया उसने कितने लॉस पर? 4% के लॉस पर। फिर उसने क्या किया है, एक टीवी भी खरीदा है जिसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको कितनी दे रखी है? 8,000। उसको भी उसने बेच दिया है और कितने प्रॉफिट परसेंट के? 8% प्रॉफिट पर उसको बेच दिया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि ओवरऑल उसको जो है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है मैं भूल गई हूँ। हाँ जी, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपकी। स्टेटमेंट में यही बोला हुआ है कि एक वीसीआर खरीदा गया है और एक टीवी खरीदा गया है, दोनों की जो कॉस्ट है वो आपको 8,000 दे रखी है। फिर उसने बोला है कि वीसीआर को तो उसने 4% के लॉस पर बेचा है और जो टीवी है उसको उसने 8% के लॉस पर बेचा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो आपको देखिए, इस क्वेश्चन को पार्टीशन में करेंगे तो ज़्यादा इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे वीसीआर के लिए, कि वीसीआर के लिए उसको वीसीआर जो उसने कितने रुपए में बेचा है। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला भी जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने कि अगर लॉस है तो ऊपर लॉस आ जाएगा, जब भी लॉस होगा तो माइनस होता है और प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, हमेशा याद रखना फॉर्मूले के अंदर भी। इसका फॉर्मूला आएगा एसपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है, बाय में 100 इंटू में सीपी। अब देखिए आप ये जो फॉर्मूलाज हैं प्लीज़ उसको ध्यान से याद करें, क्योंकि अगर फॉर्मूला गलत हो गया तो आपकी सारी कैलकुलेशंस ख़राब जाएंगी। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। 100 माइनस 4 इज 96, बाय में 100 इंटू में 8,000, कैंसिल आउट करें इसको तो आएगा 0, 8 सिक्स 48, 8 9 से 72 प्लस 4 इज 76। ऐसे इसको सॉल्व करिए आप, 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 8,000, इसको सॉल्व करेंगे तो 108 बाय में 100 इनटू में 8,000, कैंसिल आउट करिए। बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेशन में, इस जीरो को जीरो से काट देते हैं जो आपका गलत होता है। आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, आफ्टर दैट यू हैव टू कैंसिल आउट इट। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास दिस वन। अब देखिए आपको कैसे पता लगेगा कि ओवरऑल जो है उसका प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो वो हम कैसे करेंगे, आप टोटल सीपी निकालेंगे, टोटल एसपी निकालेंगे, आफ्टर दैट आप चेक करेंगे कि जो सीपी है वो बड़ा है या एसपी आपका बड़ा है। तो देखिए अब पहले टोटल सीपी निकाल लेते हैं। 8,000 वीसीआर का था, 8,000 टीवी का था, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस रुपीज़ 8,000, तो आपके पास कितना हुआ, 16,000। ऐसे ही टोटल एसपी अगर हम निकालेंगे तो वो आपके पास देखिए रुपीज़ 76,880 आया आपका वीसीआर का, और टीवी के लिए आपके पास आया है 8,640। तो आपके पास जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 0, 8 प्लस 4 इज 12 एंड 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 एंड 8 प्लस 8 16। तो अब आप देख सकते हैं कि एसपी जो है आपका वो ग्रेटर है सीपी से, तो आपको पता है कि क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। माइनस करिए आप, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 16,320 माइनस 16,000, तो ये आपके पास आएगा 320। अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो है प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है, प्रॉफिट बाय 100 इनटू में सीपी, जस्ट वैल्यू पुट करनी है अब आपको। प्रॉफिट आपके पास है 320 इनटू बाय में 100 इनटू में 8,000। सॉरी, देखिए फॉर्मूला आपका क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का, प्रॉफिट बाय में सीपी इनटू में 100, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास, 320 बाय में 8,000 इनटू में 100, तो कैंसिल आउट करिए, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक, एट वन से एट, एट फोर ज़ा 32। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो कितना आएगा,
वंस अगेन आई एम रॉन्ग, टोटल सीपी आपके पास कितना है 16,000 है। तो देखिए आगे ही करते हैं इसको, थ्री ट्वेंटी बाय में 16,000 इंटू 100 इससे कैंसिल आउट, सिक्स द वनजा एंड टूजा, सो प्रॉफिट परसेंट आपके पास कितना आता है 2%, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से ज़्यादा इजी रहेगा। पहले हमने क्या किया, वीसीआर के लिए निकाला, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन था 8,000, लॉस परसेंट आपको गिवन था, ऐसे ही आपका टीवी के लिए जो था कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। हमने पहले क्या किया, दोनों का एसपी निकाला है, आफ्टर दैट हमने टोटल सीपी निकाला, फिर टोटल एसपी निकाला। आपने चेक किया कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, अगर एसपी बड़ा है तो आपको बताया कि प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, दोनों को माइनस करेंगे, जब माइनस किया तो आपके पास आया ₹320। उसके बाद जो है प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है प्रॉफिट बाय में सीपी इंटू में 100। इसके अंदर वैल्यू पुट की हमने 320 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 100, इसको सोल्व किया हमने तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2%, मतलब उसको जो ओवरऑल है प्रॉफिट हुआ है कितने का, 2% का, दैट इज़ योर आंसर। थैंक यू।